मोहाली के एक निजी यूनिवर्सिटी में नहाती हुई छात्राओं की वीडियो बनाकर लीक करने के मामले में पुलिस से एक कदम और आगे बढ़ गई है। आरोपी छात्रा के बॉयफ्रेंड को शिमला से पकड़ लिया गया है, अब उससे पूछताछ की जा रही है। पुलिस को उम्मीद है कि उसके माध्यम से कई खुलासे हो सकते हैं। मोहाली की प्राइवेट यूनिवर्सिटी में नहाती हुई छात्राओं की वीडियो बनाकर लीक करने के मामले में आरोपी छात्रा के बॉयफ्रेंड को शिमला से गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस बॉयफ्रेंड से पूछताछ कर रही है, उसके माध्यम से कई खुलासे होने की बात कही जा रही है। इस मामले में आरोपी छात्रा के बाद ये दूसरी गिरफ्तारी है। छात्राओं के वीडियो लीक होने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। यूनिवर्सिटी के सैकड़ों स्टूडेंट सड़कों पर उतरकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। विद्यार्थियों की मांग है कि प्रशासन और यूनिवर्सिटी प्रबंधन इस मामले को दबाने की कोशिश न करे। बवाल बढ़ता देख यूनिवर्सिटी प्रशासन ने दो दिन 19 और 20 सितम्बर के लिए पढ़ाई बंद करने का ऐलान कर दिया है, यानी दो दिन नॉन टीचिंग डे घोषित किया गया है। यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स का कहना है कि इस मामले में 8 छात्राओं ने सुसाइड करने की कोशिश भी की है, लेकिन यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट वेलफेयर ऑफिसर ने बताया कि एक गर्ल स्टूडेंट बेहोश हो गई, जो अस्पताल में भर्ती है और उसकी हालत स्थिर है। किसी ने सुसाइड की कोशिश नहीं की है। जिस आरोपी छात्रा ने वीडियो बनाया है उसे पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। इस मामले की सूचना साइबर क्राइम ब्रांच को दे दी गई है। आरोपी छात्रा से पूछताछ की जा रही है। इस मामले में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा है कि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की घटना सुनकर दुख हुआ है, हमारी बेटियां हमारी शान है, घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दे दिए हैं, जो भी दोषी होगा सख्त कार्रवाई की जाएगी। मैं लगातार प्रशासन के संपर्क में हूँ, मैं सबसे अपील करता हूँ कि अफवाहों से बचें। मोहाली के SSP विवेक सोनी के मुताबिक आरोपी छात्रा का मोबाइल फोन को फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया है। आरोपी स्टूडेंट ने पूछताछ में बताया है कि उसने किसी दूसरी छात्रा का वीडियो रिकॉर्ड नहीं किया है। अब हम इस मामले में भी जांच कर रहे हैं और पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि वहां वीडियो क्यों भेजे गए। हालांकि पुलिस ने आरोपी छात्रा के खिलाफ IT एक्ट की धाराओं में मामला पंजीकृत कर लिया है। प्रथम TV न्यूज इंडिया न्यू दिल्ली। अब हम लोग को कम्प्लेन करना पड़ेगा। सच बता दो तो ये बात तो एक ही खत्म हो जाएगी, फिर ऐसा कुछ मत करना। हमें बता दो वीडियो बनाइए। आप पे प्रेशर होगा वो नहीं कर बनाइए, बोल दो पुलिस में बात जाएगी। फालतू में आपका नाम बनाया आपने क्यों बनाया? क्यों आपको एक लड़की हो आपको नहीं पता? किसी लड़की ने बोला आपको? बाहर से आया होगा बोला? किसने बोला था? मैंने पता नहीं कौन है। नहीं देखो, आप प्रेशर भी बता दो, कोई नहीं है, शांत हो गया। आपको प्रेशर किया था, प्रेशराइज किया था ऐसे करने के लिए? एक मिनट, यूनिवर्सिटी का यार देखो, आपको कुछ नहीं होगा, पता है? आपका कोई प्रेशर लग रहा है अगर आप बता दे रहे हो तो आपको कुछ नहीं होगा। आपकी भी कुछ नहीं है, आप ऐसे चुप रहोगे? और इस तरह करेंगे बाकी लड़की को कैसे प्रैक्टिस करें? आपको प्रेशर ऐसे नहीं करें। आपको किस तरह क्या आपने बोला कि आपको ऐसा एक्शन किया? हम ये देख रहे हैं, ये नहीं पूछ रही मैं उससे, मैंने ये क्या किया? आप चढ़ के बात वीडियो बना के बोलेगी पूरी नंगी करो, इसकी बनाओ वीडियो भेजो, लेकर पोस्टर बनवाए हम इसके बेशर्म के। किसने बोला तेरे को वीडियो बनाने के लिए? अपोलॉजी लेटर मेरे को दे दे, तेरे इंसिडेंट रिपोर्ट बनेगी, तेरे को सस्पेंड करेंगे आज ही, कमिश्नर के पास भेज दे तेरे को। क्यों प्लीज मारो एक तरफ, फिर कंप्लेन करते हैं कि वार्डन थप्पड़ मारने को बोलती है। कितना गंदा काम, घिनौना काम कर रही है तू। इनकी क्या इज्जत नहीं है किसी की? फिर क्यों करती है, किसके कहने पे करती है? तेरा बहुत बुरा हाल कर देंगे बाहर। किसने बोला तेरे को बनाने के लिए? किसने बोला? वार्डीएस रूम में तेरे मुंह से सब कुछ उगरवा लेना है उन्होंने। कौन लड़का है वो, कहाँ का है वो? कि कोई वीडियो बनाया गया है बाय अ गर्ल, एक स्टूडेंट की तरफ से,
और वो वीडियो जो है उसके रिगार्डिंग कुछ र्यूमर फैल गया था कि वो वीडियो किसी कुछ और लोगों का भी बनाया गया है, तो उसके बेस के ऊपर यहाँ पे कुछ बच्चे जो है उन्होंने प्रोटेस्ट किया था। उसके रिगार्डिंग ऑलरेडी एक FIR रजिस्टर कर दी गई है और जो अक्यूज है उनको हम अरेस्ट कर चुके हैं, मैटर अब इन्वेस्टिगेशन के अंदर है। माई ओनली रिक्वेस्ट टू यू इज कि मैं आपके सामने अभी जस्ट पहुंचा हूँ, हम रात को हमने FIR रजिस्टर करके इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया है, फोरेंसिक एविडेंस इज बीइंग कलेक्टेड, वंस दैट एविडेंस कम्स ऑन रिकॉर्ड आई विल कम एंड ब्रीफ यू। सो फार नो अटेम्प्ट टू सुसाइड हैज कम टू आवर नोटिस, मेडिकल रिकॉर्ड ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स हू वर टेकन टू हॉस्पिटल हैज बीन टेकन, मेडिकल रिकॉर्ड ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स इज बीइंग टेकन ऑन रिकॉर्ड, डॉक्टर से हम ओपिनियन लेके उसके बाद में आई विल बी एबल टू ब्रीफ यू बेटर। देखिए मेरी एक रिक्वेस्ट है, मैंने पहले भी ये बात कही कि आपके माध्यम से मैं सबको यही मैसेज देना चाहता हूँ कि किसी भी किस्म की जो र्यूमर है उसके ऊपर हम ध्यान ना दें। ये जो भी है उस टाइम पे र्यूमर्स के कारण हुआ है, हमने कल रात को जो स्टूडेंट्स के साथ में भी इंटरेक्शन हुआ उनको भी हमने ये बात क्लियरली बताई कि र्यूमर्स के ऊपर ध्यान ना दें, जो फैक्ट्स हैं हम फैक्ट्स के बारे में बात करें। मैं ब्रदर माई ओनली रिक्वेस्ट टू यू इज कि वी रजिस्टर्ड एन FIR लास्ट नाइट, हमने रात को ही FIR दर्ज करके हमने जो अक्यूज थे उनको अपनी कस्टडी में ले लिया है, इन्वेस्टिगेशन के लिए थोड़ा समय हमें दीजिए, इन्वेस्टिगेशन करके फोरेंसिक एविडेंस है और बहुत सारी एविडेंस है जो रिकॉर्ड पे लाने जरूरी है। शिमला का जिक्र आ रहा था कि लड़का शिमला का था उसको भी अरेस्ट कर लिया। सेक्शन 354C। कुछ सोशल मीडिया पे ऐसी खबरें आ रही हैं कि जिसमें कुछ भ्रम फैलाया जा रहा है कि चंडीगढ़ विश्वविद्यालय के 7 विद्यार्थियों ने सुइसाइड किया है, तो मैं ये बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि चंडीगढ़ विश्वविद्यालय के किसी भी विद्यार्थी ने ऐसी कोई घटना नहीं हुई, ना उन्होंने ऐसा कोई कोशिश भी की है। इस वक्त कोई चंडीगढ़ विश्वविद्यालय का बच्चा इस संदर्भ में किसी हॉस्पिटल में नहीं है और उसकी कोई सेहत की समस्या नहीं है। मैं ये भी बता दूं कि ये जो सोशल मीडिया पे कहा जा रहा है कि 60 बच्चों की MMS बनाई गई है और वो भेजी गई है किसी को, तो इसके बारे में जो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की अपनी टीम ने की है और उस बच्चे का जिस पे इल्ज़ाम लगाया जा रहा है और उसका जो मोबाइल है उसको चेक किया गया है, तो ये पाया गया है कि उस लड़की ने अपनी ही कुछ फोटोज और कुछ वीडियो जो हैं अपने किसी बॉयफ्रेंड के साथ शेयर की हैं। इसके अलावा उसके मोबाइल फ़ोन से और कोई किसी प्रकार का जो मटेरियल है वो नहीं मिला है, लेकिन फिर भी ये मैं बता दूं कि पुलिस को ये केस दे दिया गया है ताकि इसको इसकी तह तक पहुंचा जा सके। एक तो ये कि ये वाकई अगर कोई ऐसी फोटो वाली बात हुई है तो कौन उसके लिए जिम्मेदार है, क्या उस लड़की ने ऐसा कुछ किया है। दूसरा ये भी कि ये जो सारे भ्रम फैलाया जा रहा है, जो सोशल मीडिया पर ये गलत अफवाह फैलाई जा रही है, तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है। तो ये दोनों चीज़ों के लिए पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है। यहाँ आज डिप्टी कमिश्नर और IG पुलिस DIG और SSP साहब सभी ने विजिट किया है और वो बच्चों से भी मिल रहे हैं, तो इनकी पूरी तय तक जाया जाएगा। लेकिन उसके खिलाफ FIR के बजाय उस लड़की को जिसके बारे में ये कहा गया और जिसने वीडियो भेजा भी है उसके खिलाफ FIR करके उसको हिरासत में ले लिया गया है। तो मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने खुद वॉलंटियर किया है कि इसकी पुलिस इन्वेस्टिगेशन की जाए साइबर क्राइम द्वारा, साइबर IT एक्ट के अधीन इस पर FIR हुई है और साइबर क्राइम सेल जो है इसकी पूरी तय तक पहुंचेगा। इसके साथ ही मैं ये भी बताना चाहता हूं अपने माता पिता और बच्चों के माता पिता और बच्चों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि चंडीगढ़ विश्वविद्यालय का पूरे एडमिनिस्ट्रेशन और अध्यापक जितने भी हमारे विद्यार्थी हैं उनको अपने बच्चों की तरह ट्रीट करते हैं और उनकी सुरक्षा और उनका हर तरह का जो वेलफेयर है वो हमारी जिम्मेदारी है और हम सशक्त भी हैं और इसके प्रति हम पूरी तरह से वचनबद्ध भी हैं। तो मैं एक बार फिर ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ सभी माता पिता को और बच्चों को कि इन अफवाहों में विश्वास ना करें, इस भ्रम में ना पड़ें और किसी बच्चे को कोई नुकसान नहीं हुआ है और कोई ऐसी हमें अभी तक जानकारी नहीं मिली है, लेकिन फिर भी हमने पुलिस को केस दे दिया है और उसकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है। इन द मीन टाइम हम सभी बच्चों का पूरा देख रेख कर रहे हैं और विश्वास दिलाते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। लेकिन मेरी ये अपील रहेगी सभी बच्चों से और माता पिता से कि सोशल मीडिया पे कोई गलत ना तो खबर खुद फॉरवर्ड करें और ना कोई ऐसी खबर पे विश्वास करें।